तो हम सभी देखते हैं गोकू और वेजिटा के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के बाद सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नाराज होते हैं, जिसमें से क्वेटेला कहता है, ये दोनों सैयन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लायक ही नहीं है। आखिर आप लोगों ने इसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कैसे चुना? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, हाँ हमें मालूम ही था कि आप सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को जरूर लगेगा कि गोकू और वेजिटा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लायक नहीं है। तो इसीलिए ग्रैंड जिनो ने इस बात को पहले से ही तय कर लिया था कि आप सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू और वेजिटा के बीच में एक छोटा सा टूर्नामेंट ऑफ पावर होगा। और ये बात सुनते वहां पर मौजूद सभी शख्स काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, लेकिन हाँ ये टूर्नामेंट ऑफ पावर आज से ठीक 2 दिनों के बाद होगा। और हाँ मैं आप सभी को बता दूं कि लॉर्ड चांपा और लॉर्ड बीरस इस टूर्नामेंट ऑफ पावर में हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि गोकू और वेजिटा यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 7 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए चुने गए हैं। जिसके बाद हम सभी देखते सभी गॉड्स अपने अपने यूनिवर्सेस में वापस लौट जाते हैं। और उसके बाद हम सभी देखते हैं गोकू और वेजिटा को, और जिनोसामा कहते हैं, तो गोकू जैसे कि मैंने कहा था तुम काफी ज्यादा शक्तिशाली हो चुके होंगे, तो मुझसे तो अब दूसरे टूर्नामेंट ऑफ पावर का इंतजार नहीं हो रहा है। जिसके ऊपर गोकू भी कहता है, हाँ जिनोसामा हमें भी उन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से लड़ने का बेकरारी से इंतजार रहेगा। जिसके बाद गोकू और वेजिटा भी अपने यूनिवर्स के अंदर लौट जाते हैं। और इसी बीच आखिरकार 2 दिन का समय भी बीत चुका होता है, और वो दिन आ चुका होता है जब गोकू और वेजिटा और सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के बीच में मुकाबला होगा। और हम सभी देखते वो सभी जिनोसामा के पैलेस में आ चुके होते हैं। और टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर जिस जिस खिलाड़ी ने पार्टिसिपेट किया था वो भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। और तभी हम सभी देखते गोकू और वेजिटा अपने नॉर्मल आउटफिट पे होते हैं, जिन्हें देख के वो सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहते हैं, आखिरकार ये भला कैसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है जो कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के यूनिफॉर्म पे ही नहीं है। जो सुन के जिनोसामा कहते हैं, हाँ गोकू वेजिटा आखिर तुम्हारी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की यूनिफॉर्म कहाँ पर है? जिसके ऊपर गोकू कहता है, जिनोसामा आपको तो पता है कि हमें इन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से फाइट करनी है, तो मेरे और वेजिटा के यही सबसे कंफर्टेबल वाले कपड़े हैं, हम इसमें अच्छी तरीके से फाइट कर सकते हैं। जो सुन के ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, ठीक है गोकू वेजिटा जैसा तुम चाहो, तो चलो अब इन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और नए 2 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के बीच में टूर्नामेंट ऑफ पावर शुरू किया जाए। और हम सभी देखते टूर्नामेंट ऑफ पावर जैसे ही शुरू होता है सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू और वेजिटा के सामने खड़े होते हैं। और उनमें से एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहता है, हे तुम लोगों की इतनी हैसियत नहीं है कि तुम हमारा सामना कर पाओ सैयंस, तो तुम्हारे पास अभी भी मौका है कि यहाँ से रिंग छोड़ के चले जाओ। जो सुन के वेजिटा को गुस्सा आ जाता है। और वेजिटा कहता है, ओ अच्छा तो तुम्हें क्या लगता है कि हम सैयंस में तुम्हें हराने का दम नहीं है? और ये बोलते वेजिटा अपना पावर अप करके सीधा अटैक कर देता है उस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के ऊपर, जिससे वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन काफी दूर जाके गिरता है। और ये सभी देख के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। और तभी बेलमोट कहता है, हे हमें इन लोगों को हल्के में बिल्कुल भी लेना नहीं चाहिए, आखिरकार ये नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुके हैं और हमने टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर भी इनकी शक्तियों को महसूस किया था। और ये बोलते बेलमोट अपना अटैक करने के लिए जाता है गोकू के ऊपर, लेकिन गोकू बड़ी आसानी से अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म के अंदर जाके बेलमोट के उस अटैक से बच जाता है। जो देख के बेलमोट कहता है, क्या आखिर इस मॉर्टल ने इतनी जल्दी अल्ट्रा इंस्टेंट को मास्टर कर लिया, वो भी इतनी आसानी से? और ये बोलती उनमें से 2 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं, लेकिन गोकू उनके वार से बड़ी आसानी से बच के उन सभी के ऊपर एक कामेहामेहा अटैक करता है, जिससे वहीं पर 2 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को काफी ज्यादा चोटें लगती है। और ये सब देख के वहाँ के सारे लोग काफी ज्यादा हैरान रहते हैं। और तभी बीरस कहता है, क्या आखिर सच में गोकू और वेजिटा की पावर पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं होता कि ये वही गोकू और वेजिटा है। जिसके ऊपर टोपो भी कहता है, हे ज़िरिन क्या तुम ये देख रहे हो? उस गोकू की शक्तियाँ सच में काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। जिसके ऊपर जिरिन भी कहता है, हाँ टोपो मैं ये सब देख रहा हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि एक दिन मैं वापस से गोकू को सरपास जरूर करके रहूँगा।
जिसके बाद हम सभी देखते वापस से उन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और गोकू वेजिटा के बीच में फाइट होने लगती है। लेकिन इस बार वेजिटा अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है, जो देख के वहां पर मौजूद सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हैरान रह जाते हैं। और तभी वेजिटा अपनी एक न्यू फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो की होती है अल्ट्रा ईगो, जिसे देखने के बाद बेलमोट कहता है, क्या आखिर ये कैसे हो सकता है? इन दोनों साइंस ने अल्ट्रा इंस्टेंट और अल्ट्रा ईगो जैसी पावर को आखिर इतनी आसानी से कैसे हासिल कर लिया? जो सुन के वेजिटा कहता है, हे, आखिर तुम लोगों ने हम साइंस को समझ के क्या रखा था डिस्ट्रॉयर्स? तो अब वक्त आ चुका है कि हम साइंस तुम्हें अपनी अस्तित्व के दिखाए, तो तुम तैयार हो के कराट। और हम सभी देखते गोकू अपना पावर अप करके सीधा मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पर चले जाता है, और गोकू और वेजिटा उन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के ऊपर अटैक कर देते हैं। और इस बात उन सभी के बीच में काफी बड़ी फाइट चलने लगती है, जिससे वहां पर काफी ज्यादा बड़े धमाके होने लगते हैं। और तभी अचानक से वेजिटा गायब होके बेलमोट के पीछे आ जाता है, और वेजिटा कहता है, अब इसे खत्म करने का समय आ गया। और वेजिटा बेलमोट के ऊपर एक अटैक करता है, जिससे बेलमोट काफी दूर जाके गिरता है। और ये सभी देख के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन काफी ज्यादा हैरानी में होते हैं कि इतने कम समय में गोकू और वेजिटा ने आखिर इतनी सारी पावर कैसे हासिल कर ली। और तभी उनमें से एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहता है, अगर हमें इन दोनों सैयंस को हराना है तो हमें एक साथ मिलकर दोनों सैयन के ऊपर अटैक करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमें एक सैयन को टारगेट करना पड़ेगा। और ये सुनते ही सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एकदम तैयार होके सबसे पहले वेजिटा के ऊपर अटैक करने जाते हैं, और वेजिटा को वो काफी जोर का अटैक लगता है, जिससे वेजिटा काफी दूर जाके गिरता है। दूसरी तरफ जैसे ही वो गोकू के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं, लेकिन गोकू वहां से पहले ही गायब हो चुका होता है। और गोकू अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट पे एक काफी पावरफुल कामेहामेहा अटैक उन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की तरफ करता है, जिस एक अटैक से काफी सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को काफी ज्यादा तकलीफ पहुंची होती है। और वेजिटा कहता है, कैकराट, तुम ये मेरे बिना अकेले बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और गोकू और वेजिटा इस समय में अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगते हैं, जिससे धीरे धीरे करके वहां पर काफी बड़े धमाके होते हैं, और गोकू और वेजिटा की शक्तियां धीरे धीरे करके बेकाबू होने लगती है, और वो दोनों काफी सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को लगभग जान से ही मारने वाले होते हैं। और वो सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी इस समय में काफी ज्यादा गुस्से में आके गोकू और वेजिटा की तरफ अपनी फुल पावर में कंबाइन अटैक करते हैं। लेकिन तभी हम सभी देखते बीच में ग्रैंड पिस्टा के इस टूर्नामेंट को रोक देते हैं, और वो कहते हैं, बस बहुत हो गया, लगता है कि आप सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू और वेजिटा से अच्छे खासे नाराज हो, लेकिन अगर आप सभी ऐसे लड़ते गए तो या तो आप सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मारे जाएंगे या फिर गोकू और वेजिटा। तो इसी समय मैं ग्रैंड जिनो के कहने पर यह टूर्नामेंट ऑफ पावर यहीं पर रोक रहा हूँ, जिसके बाद वो सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू और वेजिटा की तरफ देख के काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। और तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को पता चल गया होगा कि गोकू और वेजिटा भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के बनने के काबिल हो चुके हैं। जिसके बाद हम सभी देखते वो सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वहां से चले जाते हैं, लेकिन अभी भी वो सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू और वेजिटा से काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। जिसके बाद गोकू के पास वाडोस आती है, और वाडोस कहती है, आप अब से मेरे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हो गोकू, तो मैं आपको लॉर्ड गोकू कह के बुलाऊंगी। तो चलो, लगता है कि हमें हमारे यूनिवर्स 6 की तरफ लौट जाना चाहिए। जिसके बाद हम सभी देखते वीस के पास वेजिटा आ चुका होता है, और ऐसे ही करके ये सारे वहां से जाने लगते हैं। और तभी गोकू जिनोसामा से कहता है, हे जिनोसामा, मुझे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के बाद काफी ज्यादा मजा आया, लेकिन अभी के समय में तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि बहुत ही जल्दी मैं आपसे मिलने आऊंगा। और हाँ, अगर इस ब्रह्मांड के अंदर कोई भी मुसीबत आती है तो मैं और वेजिटा हमेशा ही आपका साथ देंगे, और उस मुसीबत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करके रहेंगे। और ये बोलते गोकू वहां से चले जाता है, लेकिन गोकू को नहीं पता कि उसके गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के बाद उसके ऊपर क्या क्या समस्याएं आने बाकी है। और गोकू को नहीं पता था कि भविष्य में गोकू के ऊपर क्या क्या मुसीबत आने वाली है, और गोकू इन सभी से इस समय में अनजान है। सो यार, वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगा कि ये न्यू स्टोरी मैंने चैनल के ऊपर स्टार्ट करी है, तो मैं चाहता हूं कि आप सभी इस स्टोरी को भी अपना भरपूर प्यार दिखाएं। सो इसीलिए अगर आप सभी को ये स्टोरी पसंद आ रही है, सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो भी ड्रैगन बॉल देखते हैं।